हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो कोई टिकटॉक के ऊपर नहीं होने वाली, टिकटॉक वीएफएक्स पर ऊपर नहीं होने वाली, पहले ही बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। और अगर आप टिकटॉक वीएफएक्स देखने आए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज स्किप करके जा सकते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे 2020 में एक बहुत ही जबरदस्त मतलब की अपडेट्स आया हुआ है। अपडेट्स कर लीजिए या जो भी करना है कर लीजिए। एक नया रूप व्हाट्सएप का बहुत ही भयानक रूप है फ्रेंड्स। देखने में भी आपको अजीब लग रहा है, मतलब एक यूनिक लग रहा है। और जो भी चीज आप सोच रहे थे इस व्हाट्सएप में, टोटल चीज आपको उम्मीद से ज्यादा कुछ मिलने वाला। तो इसी चीज को देखकर मैं मजबूर हो गया कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो बनाऊं। और इस चैनल पर मेरा यह वीडियो पहला भी वीडियो है, तो आप अगर देखना चाहते हैं, देखे स्क्रीन पर भी अभी शो हो रहा है कुछ इस टाइप का, जो मतलब लुक आप अपने व्हाट्सएप के अंदर ला सकते हैं। ऊपर में म्यूजिक प्लेयर वगैरह वगैरह सारा चीज ला सकते हैं, अपना होम स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा मतलब सेटिंग आ चुका है इस व्हाट्सएप के अंदर 2020 में। यह नया अपडेट आया है फ्रेंड्स, तो इसको कहाँ से करें क्या करें सारा फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूँ। और उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप मतलब मेरे फोन में जो मैंने व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया मतलब अपडेट किया है, सारा प्रोसेस दिखा रहा हूँ मेरे फोन में किस टाइप से दिख रहा है। आपका फोन में भी ऐसे ही दिखेगा फ्रेंड्स। तो पहले देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप भी अपडेट कर लेना फ्रेंड्स। और कहाँ से अपडेट करना सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे और शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ। और नहीं करना चाहते जलन के मारे तो मत करना, बट वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपका भी व्हाट्सएप बहुत ही गजब का होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक कर दे अभी से। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और भी इस टाइप का वीडियो देखने के लिए और टिकटॉक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मैं देरी ना करते वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सीधे आपको ले चलता हूँ अपने जो व्हाट्सएप है नए मॉडल के, नए वर्जन के, एकदम बिल्कुल फ्रेश और अपडेटेड व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सएप को ऑन करता हूँ। और व्हाट्सएप को ऑन करते ही देखिए मेरा जो व्हाट्सएप का इंटरफेस कुछ इस तरह का है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट इंटरफेस दिख रहा है फ्रेंड्स आपको। यहाँ पर देखने में भी अजीब सा मतलब बहुत ही मस्त सा लुक है फ्रेंड्स। और इस लुक में आपको बहुत सारा जो सेटिंग्स है बहुत ही ज़्यादा सेटिंग्स भी देखने को मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट सेटिंग्स भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक एक करके मैं बारीकी से बताते जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दिखाता हूँ आपको क्या नॉर्मली से फ्रेंड्स कोई भी आपको किसी भी अनन नंबर पे, जैसे कोई भी नया नंबर पे अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होता है, पहले करना होता था तो क्या करना है कि आपको उस नंबर को नॉर्मली से पहले अपने कॉन्टैक्ट में सेव करना होता था और उसके बाद आप मैसेज करते थे व्हाट्सएप पे। बट इस अपडेट वर्जन के बाद आप फ्रेंड्स आपको उस नंबर को बिना सेव किए भी मैसेज कर सकते। तो किस किस तरह से कर सकते हो उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे में इसको टच करना है। उसके बाद फ्रेंड्स कस्टम में जो दिख रहा है कस्टम वाले में ऑप्शन जाना, और इसके बाद आपको यहाँ पर नंबर जो भी आपका नंबर है उस नंबर को यहाँ पर टाइप करके यहाँ से डायरेक्ट से व्हाट्सएप से कॉल भी कर सकते हैं या तो मैसेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे भी नंबर में नॉर्मली से कोई भी नंबर डाल दिया और ऐसे मैसेज पे जाके डायरेक्टली मैसेज कर सकते थे। इस तरह से आप बिना किसी मतलब नंबर को सेव किए हुए किसी का इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं उसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स एक इस अपडेट वर्जन का खूबी। और इसका जो इंटरफेस बहुत ही चेंजिंग दिख रहा है, ये तो आपको देखने में ही लग रहा है। इसमें आपको प्रोफाइल पिक ऊपर में ही दिख रहा है फ्रेंड्स और अवेलेबल, और आपका जो प्रोफाइल नेम सारा कुछ अवेलेबल दिख रहा है। यहीं से आप यहीं से डायरेक्ट प्रोफाइल पर घुस सकते हैं। ये दूसरा हो गया फ्रेंड्स। और तीसरा नंबर आप क्या होता है व्हाट्सएप चलाते चलाते म्यूजिक चलाते हैं तो क्या होता है कि म्यूजिक में सॉन्ग चेंज करना पड़ता है बार बार, कभी कभी सॉन्ग चेंज करते हैं। तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं है इस पर। आपको इसमें जो एक सेटिंग देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, देखिए ऊपर में ही यहाँ पर जो सेटिंग्स बार है गाना चेंज करने का, पॉज करने का जो भी है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप किसी का भी स्टेटस को देखना चाहते हैं तो ऊपर में आप देख सकते हैं तीन मेरा स्टेटस शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से स्टेटस को देख सकते हैं आप, तो ऊपर में ही शो हो रहा है। अपना स्टेटस डालना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन को टच करना और यहाँ पर जिस तरह का भी स्टेटस डालना चाहते हैं यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो इसका तो हो गया फ्रेंड्स। अब नॉर्मली से कुछ और डिफरेंट मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ आपको। इस वाले जो ऑप्शन है सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाइएगा तो जाने के बाद आपको फ्रेंड्स थीम ऑप्शन मिल जाएगा। थीम ऑप्शन में ट्रांसपेरेंस थीम लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस पर अगर ट्रांसपेरेंस थीम लगाते हैं फ्रेंड्स तो आपका जो व्हाट्सअप है फ्रेंड्स, आपका व्हाट्सअप का जो होम स्क्रीन है पूरी तरह चेंज हो जाएगा। जो कि आप जो अपने मोबाइल का होम स्क्रीन सेव करके रखे हैं उस होम स्क्रीन को आप व्हाट्सअप के होम स्क्रीन को भी देख पाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसका सेटिंग है फ्रेंड्स। हालांकि यहाँ पर डार्क मोड ऑलरेडी इसे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट मोड है तो आप जिस मोड में भी रखना चाहिए रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नॉर्मली से
और भी इसके बहुत ज़्यादा सेटिंग्स दिया गया है फ्रेंड्स, मैं थक जाऊंगा शायद, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी मैं सारा सेटिंग बताने जाऊँ तो, लेकिन मैं मेन मेन सेटिंग को सिर्फ बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें अगर होम सेटिंग में जाइएगा, होम स्क्रीन में, तो इस पर आपको हेडर्स, रोल्स, फ्लोडिंग और बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। तो इस पर आपको देखना, इस पर हर एक सेटिंग पे अपना अपना कलर और नाम चेंज कर सकते हैं। देखिए कि आपको सेट माय नेम, तो ऊपर में जो नाम है उसको सेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर इसको डिसेबल करके रखते हैं तो व्हाट्सअप शो करेगा, इनेबल करके रखते हैं तो आपका जो नाम है वो शो करेगा। ठीक है, आपका नाम को बोल्ड अक्षर में दिखाना चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो सेटिंग हो गया फ्रेंड्स। दूसरा नंबर आपको क्या करना है, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं रो, ठीक है, रो में जो नाम के बीच में जो लाइन आती है उस लाइन को किस तरह से आप मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, छोटा हो गया नाम को, उसके बाद रो रिसाइज, इस तरह से आप यहां से भी सेटिंग को कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब नेक्स्ट में दिखा रहा हूं फ्रेंड्स आपको, इस पे तो बहुत सारा सेटिंग है ही फ्रेंड्स। और अब दिखा रहा हूँ कॉन्वर्सेशन स्क्रीन, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्वर्सेशन स्क्रीन में अगर जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको एक्शन बार पे देखने को मिल जाएगा। इस पे अगर आपको जैसे कॉल करते हैं तो कॉल में आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाता है, आप किसी भी कलर को रख सकते हैं। तो इस कलर में आप जब कोई भी आपको कॉल करता है तो इस टाइप से शो कर जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से हाइड कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ से आप उसका जो पिक्चर, आप चाहते हैं कि आपका गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है और आप अपने मम्मी पापा के पास बैठे हैं तो आप नहीं चाहते कि आपका जो गर्लफ्रेंड का फोटो दिखे है, तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और नाम को भी हाइड कर सकते हैं, यहाँ से नाम भी नहीं दिखेगा, कॉल आएगा सिर्फ नाम मतलब ऐसे दिखेगा, देख सकते हैं ऊपर में सिर्फ ऑनलाइन शो कर रहा है, सिर्फ फोटो वोटो कुछ नहीं दिख रहा है, नाम भी नहीं दिख रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे और भी बहुत सेटिंग है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा, आप खुद से भी इस चीज़ को एक एक करके बारीकी से समझ लेना। और एक दो सेटिंग में दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, उस चीज़ को ध्यान से देखना, बहुत ही मतलब भयानक सेटिंग है फ्रेंड्स। आप दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट, माफ़ी चाहूँगा, बैक हो गया। तो जैसे कि फ्रेंड्स मुझे इस भाई की मतलब इस भाई के मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते थे 3-2 डॉट है फ्रेंड्स, इस डॉट को भी चेंज कर सकते हैं। इसको भी चेंज करने का मैं बता रहा हूँ, पहले इस चीज़ को देख लीजिए। आप यहाँ से नॉर्मली से देख सकते हैं जो भाई ने अपने स्टेटस में लगा कर रखी है, जो स्टेटस वो देख रहा है, देयर आई एम व्हाट्सएप यूजिंग, जो स्टेटस होता है और टेक्स्ट स्टेटस उसको यहाँ से शो हो रहा है डायरेक्ट। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, इस पर अगर प्रोफाइल का, इसका जो प्रोफाइल अगर टच करेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज प्राइवेसी, ठीक है, कस्टम प्राइवेसी में जाकर अगर इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ से आप बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड ब्लू ट्रिक, ठीक है, ठीक, जो आप जो मैसेज करते हैं वो अगर हाइड करना चाहते हैं, जैसे कि डबल टिक आ जाता है तो आप शो हो जाता है कि सीन हो गया, तो इसको हाइड कर सकते हैं। माइक्रोफोन को हाइड कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि वीडियो कॉल करें या तो ऑडियो कॉल करें, आप माइक्रोफोन को यहाँ से डायरेक्ट उसके पर्सनली हाइड कर सकते हैं, ठीक है, हाइड टू यहाँ से। और एक बहुत ही भयानक सेटिंग दिया हुआ है, एंटी डिलीट मैसेज। अभी क्या हो गया फ्रेंड्स, कोई भी बंदा आपको गाली देता है या कुछ मैसेज करता है और फट से डिलीट कर देता है, आप देख नहीं पाते मैसेज को, तो यहाँ से अगर इस सेटिंग को इनेबल करते हैं तो वो बंदा अगर आपको एक बार मैसेज कर दिया तो वो एंटी डिलीटेड मैसेज मतलब वो मैसेज डिलीट नहीं होगा कभी भी। तो इस तरह से आप सेटिंग को इनेबल करके रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद हाइड कॉन्टैक्ट नेम, तो यहाँ से अगर चाहते हैं कि नेम को हाइड करके रखें तो ये भी कर सकते हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स सेटिंग। इस वाले सेटिंग पे एक बार देख लेना, कन्वर्सेशन जो स्क्रीन है इस पर अगर आप टच करेंगे तो उसके बाद बबल एंड ट्रिक, ठीक है, तो इस पर आपको बहुत सारा सेटिंग देखने को मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट, बहुत ही यूनिक है फ्रेंड्स। जैसे कि पुराना टाइम में जो व्हाट्सअप का आप अभी जो यूज करें, उस व्हाट्सअप में आपको डिफॉल्ट मतलब जब भी आप मैसेज सीन करते हैं या तो आपका मैसेज सीन किया जाता है तो आपका डबल टिक कुछ इस टाइप से दिखता होगा, तो आप यहाँ से डबल टिक को चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी रख सकते हैं, अगर चाहते हैं इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, मतलब बहुत सारा यहाँ पर सेटिंग दिया गया है, इस तरह से भी रख सकते हैं। तो हालांकि मुझे ये वाला अच्छा लगा तो ये वाला रखता हूँ। उसके बाद मैसेज का जो साइज होता है, चैटिंग का साइज, उसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नॉर्मली से यहाँ से कलर जो होता है बैकग्राउंड कलर, तो उसमें भी चेंज का ऑप्शन दिया हुआ था, इस पर भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। और एक सेटिंग दिया हुआ है, इस पर आप ध्यान से देखना, इसमें आप जो है टेक्स्ट का जो कलर है इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्हाट्सएप है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर एक बार ट्राई करना।
आप जरूर एक बार अपडेट कर लेना अपना व्हाट्सएप को। बहुत ही मस्त सा व्हाट्सएप है फ्रेंड्स। आई होप वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो प्लीज़ बहुत ज़्यादा लाइक देना, प्यार देना, शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं और भी इस टाइप का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।